वेलकम टू माई चैनल, मेरा नाम प्रवर और आज हम बनाएंगे बर्ड फीडर। तो बनाने से पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है बोतल है जो पतंग चली की, आप कोई सी भी ले सकते हो इसको बनाने के लिए। और उसके बाद है ब्रश, फिर है ये कलर ब्लू, वैसे तो मैंने ग्रीन कलर था पर ब्लू नहीं है तो वाइट है। ये कट करने के लिए आपको कट की जरूरत है, मेरा पसंद भी नहीं है तो इसको मैं बाद में करूँगा पापा की हेल्प लेके। पर सबसे पहले जो काम मैं करूँगा, जो काम मैं कर सकता हूँ कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर स्केच है ना, इसकी हेल्प से मेरे को यहाँ पर टिक लेना है, ऐसे करके लेना था, मतलब एडा डी सीधा लिख दे। तो आप कोई से भी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो। तो ये देखो अभी ये बन गया है और अब इसको हम इस तरफ करके काटेंगे। तो देखो तो इसको कट करने के लिए मैं अपनी पापा की हेल्प लूंगा। तो देखो मैंने इसको कट कर लिया पापा की हेल्प से। पापा ने बताया कि एक शार्प वाला चाकू लिया है और फिर उसको ना गरम करके इसकी जो शेप थी इसको काट दिया। देखो दूसरी शेप काट दिया और पापा ने थोड़ा बड़ा काट दिया क्योंकि जब इसमें बर्ड जाती है अगर छोटा काट तो बर्ड का सिर फट जाता है। और हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी था कि यहाँ पर जो बाजरा है ना वो आ जाए, इसमें बर्ड खा सके। और ये देखो ये मतलब जो भी है। तो अभी जल्दी से देखो, तो मैं अभी जल्दी से ना वाइट कलर करूँगा और अभी जल्दी से मैं इसको खोल लेता इसको बंद करते तो सूख जाता है ना। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ इसमें क्योंकि प्लास्टिक है ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं सब पानी में करूँगा तो इसमें कलर हो जाएंगे। जी है, अब हो चुका है नेक्स्ट डे और ये पूरी वाइट कलर की मैंने कर दिया। इसको मैंने 24 आवर्स तक धूप में रख दिया था और अभी मैं करूँगा ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन ग्रास जैसा दिखता है इसलिए। तब मैं इसमें से जल्दी से ग्रीन कलर निकाल लेता हूँ। किधर ग्रीन ग्रीन, ये रहा ग्रीन। देखो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। काला मैंने और ये ग्रीन कलर मैंने ली। अभी मैं इसमें ग्रीन कलर कर रहा हूँ स्ट्रोक मार मार के। और अभी इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ यहाँ पर भी ऐसे। अब मैं आपको बता दूं मैंने इस पे ये वाइट कलर क्यों लगाया था, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था तो इसलिए मैंने वो ऐसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर कर दिया था। और इसमें ना वो एक ऑयल कलर आती है उसमें यूज़ करने के लिए, तो वो तो मेरे पास थे नहीं तो मैंने इसमें से वाइट वाइट कर दिए। और अभी मैं इसमें से अच्छे से कलर कर रहा हूँ। मैंने इसमें ग्रीन कलर कर दिया है
और जब तक ये सूखता है तब तक हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं और उनको करेंगे। इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ करा क्योंकि मेरे पास ऑयल कलर नहीं था, ऑयल कलर होता तो उसमें अच्छी शाइन आती। तो ये देखो हम 10 पृथ्वी 3 छेद कर दिए हैं, डेढ़ का ट्राइंगल ज़्यादा लग रहा है। इसको मैंने ना अपने पापा की हेल्प से लिया था। अब इसमें मैं रोप डालूँगा और फिर इसको टांग देंगे। और मैंने इसको किसी गर्म स्क्रू ड्राइवर टाइप की से पापा ने वो करा था। तो फ्रेंड्स मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए ना एक नेस्ट लिया है। तो लास्ट ईयर जो 2020 चल रहा था तो मेरे हिंदी का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने नेस्ट बनाया था। तो वो नेस्ट की ग्रासेस ये हैं और इसको मैं अभी इसको वो करूँगा और डेकोरेट करने के लिए इसका यूज़ करूँगा इस पर। तो सबसे तो इसको मैं अभी इसको ऐसे करके हेड बना दूँगा और फिर अरे इक्वल नहीं बना, हाँ फिर इसको ऐसे कर दूँगा, इसको ऐसे करके और ऐसे डाल दूँगा इसको। इसमें सच्ची ये चाहिए मैंने जो ये बनाए थे होल, तो इसमें मैं लेड बना मैं मतलब वो जो कहते हैं तो इसको रस्सी लगा दूँगा और इसको मैं लटका दूँगा। तो इसमें मैं इसको डाल देगा सबसे बड़े वाले में, डाल दिया। और अभी मैं इसको यहाँ पर ऐसे डाल लेता हूँ ऐसे करके, इसको ऐसे पकड़ा मैंने। मम्मी ने मेरी हेल्प करी क्योंकि टाई करने में दो हाथों की ज़रूरत पड़ती है, पर एक हाथ से मैं पकड़ता और एक हाथ से मैं करता तो मैं टाई तो कर नहीं पाता। तो मैंने मम्मी की हेल्प ली और वो नेस्ट की जो ग्रास नहीं थी वो यहाँ झड़ रही थी तो मैंने उसको सीजर से कट कर दिया। तो मैंने इसमें ऐसे ये पैटर्न पूरा इसमें से रोडरसी डाल दी है मम्मी की हेल्प से। और अभी मैं इसमें वो तो ये तो इस डब्बे से निकला था तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को इसमें लगा दूँगा करके कैंची से काट के। तो इसको मैंने इसको इसके अंदर कट करके डाल दिया है और अभी मैं इसको वो करूँगा डेकोरेट करूँगा। मैंने इसमें कॉटन डाल दिया है तो मैंने इसको सिर्फ फिला कर इसके अंदर डाल दिया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इससे इसका डेकोरेट करूंगा जो है बर्ड और एक दो एग है और दो बर्ड हैं। ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रहा हूँ, चिपका रहा हूँ और सारे अभी बोल रहे हैं पीछे से। मैं इसका अभी जल्दी से चिपका लेता हूँ, निकल जा। ओहो आहा लग गई ये, और ये, अब आती है एग्स की बारी। और शौर्य ने एक एग लगा दिया है। तो मैंने ना इस पे मेरे पास ना एक लेस थी तो मैंने इस पे लेस जो डी बनाया था ना उस पर डाल दी और ये ऐसा नहीं लग रहा था शार्क का मुंह और इसके वाइट वाइट टीथ हो जैसे शार्क का होता है माउथ। तो इसकी जो एजेस होती है ना बहुत शार्प होती है। और मैंने इसका ग्लू गन का यूज़ करके ये देखो आप इसको चिपका दिया, अब उनको चुभेगा नहीं बर्ड्स को या पिजन को। देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है ये बर्ड और एग्स नहीं बर्ड ज़्यादा क्यूट लग रही है। और अभी मैं इसमें इसको अटैच करूँगा तो इसको मैं ये कितना अच्छा है। हाँ शौर्य इसको आराम से गोल गोल घुमा देना है ये देखो। अरे तो जब मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा था तो बंद ही नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें रोप थी और रोप में जो ढक्कन था वो फंस रहा था और इसलिए वो बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको ग्लूगन से जोड़ने की कोशिश करी थी पर जुड़ ही नहीं रहा था, शायद से प्लास्टिक मोटा था। पर फिर हमने इसको फाइनली फेविक्विक से जोड़ दिया था और फिर जुड़ गया था और फिर हमने उस पर वो बर्ड लगा दी थी। मैंने इसको बना दिया है, इसमें मैंने यहाँ पे ना ग्लू लगा दिया था इसमें ना थोड़ा चुप जाता बर्ड्स को और इसमें मैंने ग्लू डाल दिया, इसमें बर्ड्स आएंगे इसको खाएंगे। नीचे पानी भी है
से पानी पिएगी। देखो शौर्या भी आ गया है। और शौर्या कैसा लग रहा है? एकदम ललन टॉप लग रहा है। ललन टॉप लग रहा है। हाँ ललन टॉप तो लगेगा ना, मैंने बनाया है। और कैसे कुछ बर्ड आ जाएगी? अरे वो ना इसमें ना बर्ड पूरा थोड़ी का घुसेगी, उसके अंदर अपना वैसा अपना सर डाल देगी और नुम 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 खा लेगी। आप भी ऐसे बर्ड्स को पानी देना और हमारे ये बर्ड फीडर बनाना। और आप भी इसके अंदर ये टाइम देख रहे हो ना, और वो उनको बर्ड्स बर्ड्स को ये ना होते हैं और ऐसे पानी नीचे लगाते ना और बर्ड्स को पिलाना होते हैं। तो मैं आपको अभी एक कमेंट की बात बता देता हूँ। हम जो नेस्ट डाल रहा है ना, वो हमने नेट पे डाल दिया और नेट तो से लगाते तक ही बर्ड आए ना, और बर्ड तो आई नहीं पाई, आएगी नहीं। तो फिर हमने इसके बाद ना ऐसा करा कि हमने जो पानी था और बर्ड फीड रहा था उसको हमने बाहर रख दिया। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।